रोबोट पांडा बुनाई सीख रहा है। क्लासरूम है बर्लिन में टेक्निकल यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला। जब ये सवाल उठा कि पांडा शोध के लिए क्या कर सकता है, तो आइडिया आया कि उसे बुनाई सीखनी चाहिए। शुरू में बस एक आइडिया था जो मजेदार लगा था, लेकिन जब उसके बारे में फिर से सोचना शुरू किया तो सोचा कि आखिर हम इस पर हंस क्यों रहे हैं। शायद इसलिए कि रोबोट भविष्य की निशानी है जबकि बुनाई परंपरागत हुनर है। इसके अलावा अब तक विकसित रोबोट भूमिकाओं के पूर्वाग्रहों को दिखाते हैं, उस काम के हिसाब से जो आम तौर पर पुरुष करते हैं या फिर महिलाएं करती हैं। हमारे यहाँ काम का एकदम लैंगिक बंटवारा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे नई तकनीक को मौजूदा सामाजिक संरचना के अनुरूप ढाला जाना हो। रोबोट के मजबूत हाथ बुनाई करते हुए, जब लोगों को इसे देखने की आदत लग जाएगी तो लैंगिक भूमिकाओं के पूर्वाग्रह मिट जाएंगे। वैज्ञानिकों को यही उम्मीद है। और वे कहते हैं यदि हमें घरेलू कामों में या बुजुर्गों की देखभाल में रोबोटों की मदद लेनी है तो हमें और भी ज्यादा उनकी तरह सोचना होगा। जब रोबोट पांडा अच्छी तरह बुनाई करने लगेगा तब मामला स्वेटर या मोजो की बुनाई का नहीं होगा बल्कि इंसान और रोबोट के बीच के रिश्तों का होगा। हमारे यहाँ हमेशा ही बात इंसानों और रोबोटों के सहयोग की होगी। हम ना तो बुनाई मशीन को हटाना चाहते हैं और ना ही बुनकरों को। हम तो ये पता करना चाहते हैं कि ऐसे मौकों पर क्या होता है। और ये भी ठोस रूप से व्यवहार में, ना कि सैद्धांतिक बहस में। टीम के सदस्य समाजशास्त्र, आईटी और संस्कृति जैसी विधाओं से आते हैं। रोबोट पांडा के साथ हो रहे अनुभवों को एक वेब ब्लॉग में शामिल किया जा रहा है। रोबोट की बुनाई की ट्रेनिंग एक ऐसा अनोखा शोध प्रोजेक्ट है जो मशीनों के साथ मानवीय भविष्य की कल्पना को गढ़ने में भागीदार होना चाहता है।